हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं दी ऑल न्यू एंट्री लेवल स्मार्टफोन रियलमी C31। अब इसका बॉक्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर बीच में बड़ा बड़ा रियलमी C31 लिखा हुआ है और यहां पर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। देख सकते हैं बॉक्स को, पीछे की तरफ कुछ यहाँ पर हाईलाइट्स दिए गए हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के। और अगर हम इसके प्राइस वगैरह की बात करें तो जो बॉक्स पर प्रिंटेड प्राइस है दोस्तों, वो है 11,999 रुपये। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इतने प्राइस पर ये लॉन्च होगा, अंडर 10K, इन बिटवीन 9 to 10K यहाँ पर ये लॉन्च हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अभी तक तो इसका प्राइस जो है वो रिवील हुआ है नहीं। इसके मेमोरी वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास आया है 4GB + 64GB और ये कलर है लाइट सिल्वर। तो चलिए लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्म को रिमूव करेंगे। और यार दोस्तों, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि अभी भी ब्रांड्स जो है इस तरह की प्लास्टिक फिल्म डिवाइसेस के ऊपर लगाकर क्यों देते हैं। एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छी है ही नहीं, साथ ही साथ मुझे भी थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी होती है अनबॉक्सिंग करने में। खैर, इसको हमने हटा दिया है। लेट्स क्विकली रिमूव द सील्स इफ देयर इज एनी। यस, हियर इट इज। सो बॉक्स अनबॉक्स हो गया है दोस्तों, और सबसे पहले हमें ऊपर यहाँ पर मिलता है ये एनवेलप जिस पर रियलमी की ब्रांडिंग है काफी बड़ी। और इसके अंदर क्या है, लेट्स फाइंड आउट। तो यहां पर आपको मिलती है एक सेफ्टी गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड। इसके अलावा यहां पर स्मार्टफोन रखा हुआ है, तो ये है रियलमी C31। इसको जल्दी से अनरैप करते हैं। वाओ, तो काफ़ी यहाँ पर जो कलर है शानदार लग रहा है। लाइट सिल्वर कंपनी ने इसको नाम दिया है, थोड़ा सा पर्पल मुझे यहाँ पर देखने में लग रहा है। और ये जो है मुझे एक स्मार्टफोन की याद दिला रहा है। कौन सा स्मार्टफोन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसको साइड रखता हूँ, देखते हैं और क्या कुछ दिया गया है बॉक्स के अंदर। ओके, सो ये है चार्जिंग एडाप्टर, चार्जिंग डॉक, और ये है 10 वॉट का। इसके साइज पर मत जाइए दोस्तों, 10 वॉट की ब्रिक यहाँ पर इसके साथ दी गई है। और इसके अलावा जो है ये एक केबल है विच इज चार्जिंग केबल, इसको भी मैं यहाँ पर अनरैप कर देता हूँ। तो ये है ओके माइक्रो यूएसपी, तो यूएसपी टू माइक्रो यूएसपी केबल यहाँ पर दी गई है। तो काफ़ी कुछ मुझे थोड़ी सी चीज़ों से निराशा हुई है। तो यहाँ पर यार टाइप सी दिया जा सकता था। और बात करें अगर यहाँ पर चार्जिंग की, तो थोड़ी सी यार 12 वॉट दे देते, 10 वॉट नहीं तो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे अनबॉक्स करते निराशा हो गई है। एक चीज़ और मिसिंग मुझे यहाँ पे लग रही है कि अगर आप एंट्री लेवल का स्मार्टफोन दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इसमें केस देना चाहिए दोस्तों। तो केस भी यहाँ पर मिसिंग मुझे लगा है। खैर, ये है पूरा बॉक्स कॉन्टेंट और चलिए अब जल्दी से स्मार्टफोन पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं और मैं रिमूव करता हूँ इसके IMEI स्टिकर को। और अब आप जो है इसका एक पूरा लुक यहाँ पर स्मार्टफोन का ले सकते हैं। कलर तो लाइट सिल्वर है। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, एक टेक्सचर टाइप यहाँ पर दिया गया है। एंड इफ़ यू रब योर फिंगर अगेंस्ट इट तो आप उसे फील कर सकते हैं, तो इससे ग्रिप वगैरह मजबूत हो जाती है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और स्मजेस वगैरह यहाँ पर बैक पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। इसी के नीचे स्पीकर ट्रे दी गई है। अब स्पीकर ट्रे पीछे दे दी गई है, तो विच मीन्स अगर आप फोन को फ्लैट सरफेस पर रख देते हैं तो शायद आवाज़ वगैरह दबने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे OnePlus Nord 2 की थोड़ी सी यहाँ पर याद दिला रहा था। 2 कैमराज आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। एक कैमरा इसके साइड में छोटे सर्कल में दिया गया है और ऊपर LED फ्लैश लाइट दी गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है, कैमरा बम जो है, वो जो है बैक वाले कलर में ही है, सेम कलर में यहाँ पर रखा गया है। और मटेरियल की बात करूँ तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक दोस्तों, फ्रेम्स भी, लेकिन फ्रेम्स पर यहाँ पर मैट फिनिश दी गई है। और अगर हम बात करें इसकी साइड प्रोफाइल्स की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे राइट साइड पर तो आपको केवल यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ की दी गई है। और अगर आप बात करेंगे बॉटम की, तो यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा माइक दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.5mm का जैक है। चलिए अच्छा है कि यहाँ पर जैक वगैरह दे दिया गया है। बात करें अगर आप लेफ्ट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर कीज दी गई हैं। 2 कीज हैं, दोनों सेपरेट हैं। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिम ट्रे मिल जाती है। एंड यस दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना भूल गया था कि बॉक्स के अंदर आपको सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। तो उसी सिम इजेक्टर टूल से मैं यहाँ पर इस सिम ट्रे को इजेक्ट करने वाला हूँ और फिर हम देखेंगे किस तरह की सिम ट्रे जो है यहाँ पर दी गई है।
तो ट्रिपल सिम स्लॉट है, तो दो इसके अंदर आप सिम्स लगा सकते हैं, नैनो सिम और इसके अलावा एक माइक्रो एसडी कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। टॉप की बात करेंगे तो टॉप को भी बिल्कुल खाली यहाँ पर रखा गया है। कॉर्नर्स वगैरह स्मार्टफोन के राउंड दिए गए हैं। आगे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ड्रॉप नॉच में कैमरा लगा है, उसके ऊपर जो है स्पीकर ग्रिल दी गई है ईयर पीस वाली। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करेंगे दोस्तों, तो जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पर 8.4 mm थिक है और इसका जो वेट है 197 grams है। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी यहाँ पर स्मार्टफोन लगता नहीं है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट इसके अंदर दिया गया है और ग्रिप वगैरह सही आती है। इन एंड फील की बात करूँ तो काफ़ी लाइट है, प्रीमियमनेस तो नहीं हाँ, बट लेकिन एक डिसेंट फील जो कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन से आनी चाहिए वो आपको यहाँ पर रियलमी C31 से आ जाती है। चलिए स्मार्टफोन को अब ऑन करते हैं और सेटअप करते हैं। सो दोस्तों स्मार्टफोन यहाँ पर सेटअप हो चुका है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, तो एज यू कैन सी ये जो डिस्प्ले है 6.52 इंचेस की है और 88.7% का इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। रेजोल्यूशन की बात करें तो ये HD+ है, फुल HD+ यहाँ पर नहीं, HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है। और अगर आप बेजल्स वगैरह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिन तो नहीं है साइड बेजल्स स्पेशली, लेकिन यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री जो चिन है इसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड दे दी है और ऊपर वाले बेजल्स जो हैं वो भी थोड़े से यहाँ पर मुझे थिन लग रहे हैं। वाटर ड्रॉप नॉच भी काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ब्राइट अगर आप देखें डिस्प्ले तो ये आप देख सकते हैं इनफ ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं बट हाँ एवरेज ब्राइटनेस यहाँ पर दी गई है। कितनी है ये तो कंपनी ने खैर मुझे स्पेक शीट में बताया है नहीं, बट ठीक है बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये मैं ज़रूर यहाँ पर कह सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके UI की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Realme UI R एडिशन मिलता है विच इज़ बेस्ड ऑन Android 11, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिल जाती हैं, जैसे जॉश है, मोज है, सोलूप है, स्नैपचैट है, एंड आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो स्मार्टफोन पर लगा है UniSoC T612 प्रोसेसर विच इज़ 12 nm फैब्रिकेशन बेस्ड। और इसके अलावा स्टोरेज की बात की जाए तो ये दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है, 3GB RAM और 4GB RAM, जिसके साथ आप 32GB या 64GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे पास 4GB RAM प्लस 64GB वाला स्मार्टफोन यहाँ पर मौजूद है। जो मेमोरी टाइप है वो है UFS 2.2 और माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए आप अप टू 1TB तक इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। बैटरी की बात यहाँ पर अगर दोस्तों की जाए तो 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन के साथ आ जाती है। फिलहाल जो बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 57% है और आप इसको 10 वॉट के चार्जर के साथ यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी तो यहाँ पर काफ़ी सही दे दी गई है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ज़रूर कम लग रही है। तो लेट्स सी कितने घंटे में यहाँ पर आप इसको फुल चार्ज कर पाएंगे ये देखना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो उसमें आपको वायरलेस वाईफाई 2.4 GHz यानी कि सिंगल बैंड वाईफाई आपको मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ब्लूटूथ 5.0 है। अगर बात करें हम यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो इसके लिए आपको जो पावर ऑन ऑफ की है इसी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ये मैंने आपको सेटअप करके ऑलरेडी दिखा भी दिया है, फिर भी हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको हाउ फास्ट इट इज़। तो आप देख सकते हैं तो रिसेंटली काफ़ी फास्टली यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो स्मार्टफोन का काम करता है। इसके अलावा आइए एक साउंड चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर हम इसको फ्लैट सरफेस पर रखते हैं तो स्पीकर्स की पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप आवाज यहां पर सुन लीजिए, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लाउड तो यहाँ पर नहीं है। और अगर हम इसको रख देते हैं, जी नहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क इसको रखने से भी नहीं पड़ता है, शायद इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है एक डॉट दी गई है जिससे जो स्पीकर्स हैं यहाँ पर डायरेक्टली सरफेस के टच में ना आ जाएं और थोड़ा सा गैप यहाँ पर रहे। तो अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पर भी कुछ चलाकर म्यूजिक अगर रखते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। आइए एट लास्ट कैमराज की यहाँ पर बात करते हैं। तो स्मार्टफोन के बैक साइड पर जैसे आप देखेंगे ट्रिपल कैम सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 13 MP का है, इसके बाद है 2 MP का मैक्रो लेंस और एक है ब्लैक एंड व्हाइट लेंस। फ्रंट की बात करेंगे तो 5 MP का सेल्फी कैमरा लगा है। आइए कैमरा UI में चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या क्या फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं।
सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो मोड मिल जाता है, और अगर हम यहाँ पर बात करें वीडियो रेजोल्यूशन की, तो आप 1080p ऑन 30 fps तक जो मैक्सिमम वीडियो है इस स्मार्टफोन से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर मोड आता है जो कि नॉर्मल कैमरा मोड है। फिर यहाँ पर आता है पोर्ट्रेट मोड, और इसके बाद है दोस्तों मोर, जिसमें आपको बर्स्ट, फिल्टर, टाइम लैप्स, प्रो, पैनोरामा, मैक्रो एंड नाइट प्रो मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। सेल्फी की बात करते हैं, सेल्फी वीडियो क्वालिटी को भी यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। तो हेलो दोस्तों, ये तो खैर मैं हूँ, और सेल्फी वीडियो क्वालिटी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 720p ऑन 30 fps सेल्फी वीडियोज़ आप इससे बना सकते हैं। कुछ एक यहाँ पर मैं फोटोज इससे कैप्चर करता हूँ और जल्दी से आपको इसके कैमरा के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ। सो दोस्तों देखिए, ये तो है इसका सेल्फी रिजल्ट, और अगर हम इसके रियर कैमरा की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। लेट मी शो यू। तो ये है कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो कि आपको इसके रियर कैमरा से देखने के लिए मिलेगा। रियर कैमरा तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लग रहा है, सेल्फी मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है थोड़ा ठीक। बाकी थोड़ी शटर स्पीड भी मुझे हल्की सी स्लो लग रही है। बाकी अगर इन डेप्थ के बारे में बात की जाए तो इसके फुल रिव्यू में मैं आपको वो बता पाऊंगा। फिलहाल मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9,000 से 10,000 रुपये के बीच में। अगर इसी प्राइस रेंज में यहाँ पर लॉन्च होता है तो तब देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है मार्केट में। बाकी आपको कैसा लगा है स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा खासा इंप्रेस हूँ नहीं दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हैं, कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हैं, कोई और टेस्ट वगैरह देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।